और गाजा में अब तक का सबसे घातक हमला हुआ है। गाजा पर रात भर हुई एयर स्ट्राइक, जंग के 17वें दिन गाजा में भीषण तबाही। बीती रात हुए हमले में 30 लोगों की मौत हुई। पूरी रात ये एयर स्ट्राइक चलती रही, लगातार हवाई हमले होते रहे गाजा में। और जो जानकारी सामने आ रही है कि इस हमले में 30 लोगों की मौत हुई। और इजराइल का हमास के ठिकानों पर हमला, गाजा पट्टी में दर्जनों ठिकाने किए गए तबाह। हमले में ठिकाने पूरी तरह से ध्वस्त हुए। और इजरायली सेना का मटाट और माउंट डोब पर विध्वंसक प्रहार। आईडीएफ ने हमास के हमलों को किया नाकाम। इजरायल पर मिसाइल हमले की कर रहे थे तैयार। वहीं हमास का आईडीएफ पर बड़ा हमला, एंटी टैंक मिसाइल से हमास का यह हमला। हमले में एक आईडीएफ सैनिक की मौत, 3 घायल। गाजा बॉर्डर से सटे किशुफिम में यह हमला किया गया। इजरायली सेना के हमले से गाजा में भीषण तबाही, खंडहर में तब्दील दिखा पूरा शहर। आसमान में चारों तरफ छाया धुएं का गुबार। गाजा के 15 लाख लोग बेघर। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरह का विनाश है गाजा में। पूरा शहर ऐसा लग रहा है कि खंडहर में तब्दील हो गया है। लगातार हमले जारी हैं आईडीएफ के गाजा में।